मर्यादा में रहकर बात करो ऑफिसर, हमारी पोजीशन भी तुमसे कम नहीं है। आपकी पोजीशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूँ, वरना। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए। तरस आता है आप पर, हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वाघमारे साहब। अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, इसी में आपकी जितनी पावर तुम्हारे पास है ना, उतनी मेरे पास भी है। अगर हम लोगों को उनके ना किए हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं, तो अपने आप को कानूनी दावपेच से बचाना बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी लोगों को फंसाने में हम माहिर हैं, इसलिए हमसे टकराना नहीं, वरना दिल्ली से जिंदा आई हो कफन बॉक्स में लाश भिजवा दूंगा। खराब हो गया का? अरे जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और अच्छा अफसर है हमारी स्टेट का, वो काहे मारेगा इंस्पेक्टर को भाई? क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीएम मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। ठीक है, कोई इंस्पेक्टर मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन जरूरी थोड़े ही है कि बाघ मारे नहीं उसे मारा है? सर, सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा? ए मैडम, EBPL भवानी प्रसाद लल्ला का स्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं। यहाँ पर तुम मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और एक बात सुन लो, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना कि तुम्हारे कंधों पर और तमगे लगाओगी, वो भूल जाओ, वरना जो तमगे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे और तुम्हारी वर्दी को तुम्हारा कफन बनाकर तुम्हें शमशान पहुंचा दूंगा हम। और नीतू सिंह जब कोई मिशन पर निकलती है तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है या खुद पहनकर देश पर शहीद हो जाती है। चीफ मिनिस्टर का खून आपकी साजिश थी, क्योंकि आप सीएम बनना चाहते थे। ए सड़ा खामोश, बहुत बोल ली तू, अब मेरी बात सुन। तेरे उस स्वर्गीय सीएम को किसने मरवाया? हमने, भवानी प्रसाद लल्ला ने मरवाया। अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो, जो पहले ही अपने देशभक्त पति को खो चुकी है, कि बहुत जल्द वो अपनी इस औलाद से भी हाथ धोने वाली है। Now get out. I will get out, but I will also get you hanged for this. Challenge. 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 कौन? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं विक्रम, आपकी बेटी के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा, मगर वो तो घर पे नहीं है। जानता हूँ माँ जी, वो दिल्ली गई हुई है। अरे आपकी बेटी तो बहुत होनहार ऑफिसर है, सीएम मर्डर की गुत्थी तो उन्होंने यूं सुलझा दी। हाँ, वो इसी सिलसिले में दिल्ली गई है, कह रही थी कि सीएम मर्डर के कातिल का पता चल गया है। मगर एक बात तो बताओगे, ये भवानी प्रसाद खुद सीएम क्यों नहीं बना? इसमें भी उसकी चालाकी है सर, वो अच्छी तरह जानता है कि अगर वो फॉरेन सीएम बन गया तो मीडिया और कानून उसे जीने नहीं देगा, इसलिए उसने अपने मामूली से आदमी को सीएम बना दिया, सिर्फ इसलिए कि कलम उसकी चलती रहे लेकिन स्याही भवानी प्रसाद की हो। बेटे, तुम चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? नहीं माँ जी, बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। अच्छा, मैं लाती हूँ। सर, मैं बहुत जल्द भवानी प्रसाद और उसके साथियों को कानून के सामने एक्सपोज कर दूंगी। आइए माँ जी। लो बेटा, लो। थैंक यू। वाह, क्या रंगरेलियां मनाई जा रही हैं? कौन? ये सब क्या हो रहा है? कौन? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? शर्म नहीं आती है? कानून की रखवालों की मां होकर एक मुजरिम से इश्क फरमा रही है, वो भी इस उम्र में? क्या बकवास कर रहे हैं आप?
कौन है आप? एसपी वाघमारी। और मैडम, जिस आदमी से आप इश्क फरमा रही हैं वो जेल से भागा हुआ मुजरिम है। पता नहीं कितने जुर्म किए हैं इसने। ले चल इसे, चल अब। ए, क्या? चल। सुनिए, सुनिए। माजी, माजी। हाँ? वो अपनी नीतू सिंह मैडम है ना, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं नीतू सिंह से कुछ सवालात पूछने से पहले अदालत के सामने कुछ सबूत, कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ, जिसे देखने और सुनने के बाद अदालत बहुत जल्दी अपने नतीजे पे पहुंच जाएगी। मेरा पहला गवाह है टाटिया। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई, कितनी बार जेल जा चुके हो? कुछ याद नहीं, गिनती थोड़ी ही करता हूं। हाँ, बराबर है। एक दो बार गया तो आदमी गिनती कर सकता है, जिनका रोज आना जाना है उनको गिनती कहाँ याद रहेगी। ये सब काम जिसे आप गुनाह समझते हैं, ये मेरा धंधा है। जिंदगी में कभी हमारा भी ऐसा काम पड़ा तो करोगे? करेंगे साहब, मगर इसके लिए आपको हमारे पार्टी हाईकमान से बात करनी पड़ेगी। कौन है तुम्हारा हाईकमान? पार्टी हाईकमान कौन है ये तो मैं नहीं जानता, मगर मेरा हाईकमान वो है सामने, कैप्टन नीतू सिंह। हाँ तो बताओ कि तुम नीतू सिंह के परिवार में किस किस को जानते हो? इनकी माँ को जानता हूँ, और जब भी पुलिस से बचना होता है तो मैं इनकी माँ के पास चला जाता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठहरिए वकील साहब, इतनी भी जल्दी क्या है, कुछ हमें भी बोलने का मौका दीजिए। योर ऑनर, मैं टाटिया से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। टाटिया, तुम एक्टर तो बहुत अच्छे हो और बड़ी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो, अब ये बताओ कि एक्टिंग करने के लिए तुमने कितने पैसे लिए थे? मैंने ड्रामा नहीं किया, जो कुछ भी कहा सच कहा। सच नहीं, झूठ कहा है तुमने। योर ऑनर, यह आदमी पेशावर मुजरिम है, चोरी डकैती लूट खसोट हत्या अपहरण ये इसका पेशा है और जेल से भागा हुआ मुजरिम है। ऐसे आदमी की गवाही कोई अहमियत नहीं रखती है। ये पैसे की खातिर एक नहीं 1000 झूठ बोल सकता है। मैं अपने मुअज्जिज़ दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि अगर इनके पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत के सामने पेश करें। एक नहीं कई सबूत है, कई सबूत है। मिलॉर्ड, मैं पुलिस ऑफिसर वाघमारे को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ जी एसपी साहब, आप स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी के चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे और आपने हत्यारों को गिरफ्तार भी किया था, तो आप अदालत को बताएंगे कि हत्यारों को कैसे और कहां गिरफ्तार किया था? योर ऑनर, ये जो औरत नीतू सिंह कटघरे में खड़ी है असली मुजरिम यही है। लेकिन आपके इस बात को अदालत कैसे मानेगी? हमारे वकील दोस्त कैसे मानेंगे कि ये बात सही है? कोई सबूत है आपके पास? सबूत है वकील साहब, और बहुत ही ठोस सबूत है। तो काराम, योर ऑनर, यह है वो पिस्तौल जिससे स्वर्गीय मुख्यमंत्री साहब की हत्या की गई, और यह है वो रिपोर्ट जिससे यह साबित होता है कि हत्या इसी पिस्तौल से की गई। योर ऑनर, इस पिस्तौल पर मिले हुए उंगलियों के निशान इस औरत के साथी आतंकवादी टाटिया के हैं, जिसे इसके घर से गिरफ्तार किया गया। प्लीज। एनी क्वेश्चन? एसपी साहब, ये बताइए कि जब आपने नीतू सिंह के घर से टाटिया नाम के टेररिस्ट को गिरफ्तार किया जी, तो क्या उस वक्त नीतू सिंह घर में थी? जी हाँ, वो दिल्ली में थी जी। इसका मतलब ये है कि वो शहर में नहीं थी, और आप ये भी जानते हैं कि उसकी माँ अंधी है। जी हाँ। योर ऑनर,
माँ के अंधेपन का और नीतू सिंह के घर में ना होने का फायदा उठाकर एक मनगढ़ंत कहानी को हकीकत का रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप तशरीफ रखिए। जी, थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं शांति देवी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। शांति देवी, आपके घर से जिस टाटिया नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके बारे में आप कुछ जानती हैं? मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर ये आदमी आपको कब और कहां मिला? वो नीतू से मिलने हमारे घर आया था। घर आया था इसलिए इंसानियत के नाते मैंने उसे पानी पूछा। मैं पानी लाने अंदर ही गई थी कि पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, शांति देवी के अंधेपन का फायदा उठाकर इनके घर में टाटिया का भिजवाना, पिस्तौल रखवाना और टाटिया से ये कन्फेस कराना कि नीतू सिंह ही चीफ मिनिस्टर के हत्या की जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मिलॉर्ड, मैं शांति देवी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। शांति देवी जी, अभी आपने कहा कि टाटिया आपके घर नीतू से मिलने आया था। जी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बिठाने की क्या जरूरत थी? जी नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसको प्यार से बिठाने की, पानी पिलाने की क्या जरूरत थी? कहीं आपका और उसका Stop this nonsense! बहुत हो चुका। अब तक मैं कानून के नाम पर चलने वाली इस नौटंकी को देखती रही, लेकिन अब मैं इस केस को पूरी तरह जान गई और अच्छी तरह समझ भी गई हूँ। मुझे ये भी मालूम है इस केस का फैसला क्या होगा। लेकिन जज साहब, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगी कि आपके इस फैसले से सीएम मर्डर केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जज साहब, अफसोस इस बात का नहीं है मुझे कि मुझे सजा होगी। सजा तो मैं काट लूंगी। हाँ, अफसोस इस बात का जरूर रहेगा कि असली मुजरिम कितनी आसानी से कानून को धोखा देकर बाइज्जत बरी हो जाएगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। पूरी तरह से फंस गई। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह साबित होता है कि चीफ मिनिस्टर सत्य प्रकाश की हत्या टाटिया ने की है। लिहाजा यह अदालत मुलजिम टाटिया को हत्या के जुर्म में जेरे दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। जिस हथियार से हत्या की गई वह हथियार नीतू सिंह के घर से बरामद हुआ है और मुलजिम टाटिया के बयान से साफ जाहिर होता है कि नीतू सिंह भी उस हत्या में शामिल थी। लिहाजा यह अदालत नीतू सिंह को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। नीतू की माँ बोल रही हूँ। हाँ भाभी जी, नीतू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खास तौर से दिल्ली से इसी काम के लिए आया हूं। मैं नीतू को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हिम्मत से काम लीजिए, आप तो बहुत ही बहादुर बेटी की मां है। अच्छा, नमस्ते। हेलो हेलो, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। Thank you.
वक्त यहाँ? तुझ पर तरस खाकर यहाँ पर आया हूँ। अफसर से अफसर की वफादारी निभाने आया हूँ। वफादारी की बातें गद्दारों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अब तो तुम्हारी गालियां भी मुझे फूल जैसी लगती हैं। खूबसूरत हो, जवान भी हो, जेल में पड़ी पड़ी सड़ जाओगी। पानी के बिना जिस तरह पौधा मर जाता है ना, ऐसे तुम मर जाओगी। अरे अपने बाग का माली बना ले मुझे, सीच सीच के हरा भरा रखूंगा वे। इस वक्त तुम शराब के नशे में धुत हो, अपने होश में नहीं हो। जब होश में रहोगे ना तो मुझे बोलने में मजा आएगा और तुम्हें सुनने में। इस वक्त चले जाओ यहां से। मैं यहां से जाने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए आया। और जो चीज हमें प्यार से हासिल नहीं होती ना, उसे हम छीन लेते हैं या फिर उसे मिटा देते हैं। ओए हमें मिटने की नहीं, मिटाने की आदत है। पानी बंद करो। मंत्री जी। हाँ बोलता हूं। नीतू सिंह के देखिए अभी हम बहुत बिजी लगता हूं, रखता हूं। अरे देखा दिलरुबा दिल्ली वाली, भवानी प्रसाद लल्ला का पावर। अरे तू तो 90 दिनों के अंदर सीएम के किलर का पर्दाफाश करने वाली थी। लेकिन हमने तो 9 दिन में, सिर्फ 9 दिन में तुझे ही किलर साबित कर दिया। नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। बता बता। भवानी प्रसाद ने करवाया। चल यही बात तुझे अदालत में कन्फेस करनी होगी। चल खबरदार कोई आगे बढ़ा तो। मूव मूव। Oh!
उसे तू